हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एडवाइस सुजाता। गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ग्रीड मेथड के मदद से विराट कोहली की एक पिक्चर ड्रॉ कर चुकी हूँ। यहाँ पर अभी बारी है इसको शेडिंग करने का। तो यहाँ पर रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल ले चुकी हूँ एंड ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करने वाली हूँ, इरेजर का यूज़ करने वाली हूँ एंड मैकेनिकल इरेजर ऑल्सो, और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ करने वाली। तो गाइज चलिए देखते हैं किस तरह से मैं यहाँ पर स्केच शेडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आपको गाइज हेयर बियर्ड जो भी है उसको करने के लिए आपको डिरेक्शन वाइज ही आपको पेंसिल को चलाना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ देख सकते हो। बेसिकली गाइज मैं हेयर से कभी शुरुआत नहीं करती हूँ पोर्ट्रेट का, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग पहले हेयर को दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर हेयर से ही शुरुआत कर रही हूँ। पहले मैं चारकोल से एक स्ट्रोक लगा रही हूँ जैसे कि हेयर के डिरेक्शन है। देन गाइज ये पर हम ब्लेंडिंग करने वाले हैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। कोई भी सॉफ्ट वाला मेकअप ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर मैं गाइज कॉटन बार्ड या फिर टिश्यू का मैं इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा पैचीनेस आ जाते हैं। इससे आपका जो ये चारकोल है इजीली आप ब्लेंड हो जाएगा, सॉफ्ट पेस्ट सॉफ्ट चारकोल है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर मैं ब्रश ही रिकमेंड करने वाली हूँ एंड चारकोल से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। ग्राफाइट से थोड़ा सा चारकोल कम टाइम लेता है और डार्कनेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इजी भी होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर चारकोल का यूज़ कर रही हूँ। सेम प्रोसेस गाइज फिर से हम लोगों को चलाना है, जहाँ पर हमें जितना ज़्यादा डार्कनेस चाहिए वहाँ पर हमें पेंसिल को उतना ज़्यादा ही चलाना है। फिर से गाइज हमें ब्लेंडिंग करना है, एक बार फिर से हम लोग वहाँ पर ब्लेंडिंग करने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर मुझे डार्कनेस चाहिए वहाँ पर मैं छोड़ के देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से ही करना। अभी गाइज जहाँ पर हाइलाइट्स दिखाना है मुझे, हेयर के जो स्ट्रोक है, जो हेयर के जहाँ पर हाइलाइट एरियाज है, उसके लिए यहाँ पर मैं मैकेनिकल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ एंड आपको रेफरेंस के अनुसार संभाल के वहाँ पर जहाँ पर जैसे है वहाँ पर आपको वही करना है। देन फिर से आपको ब्लैक जहाँ पर और ज़्यादा चाहिए वहाँ पर आप ब्लैक कर सकते हो। फिर हाइलाइट्स एरियाज़ के ऊपर भी आपको ब्रश को चलाना है ताकि बहुत ज़्यादा वाइटनेस ना लगे, इसलिए। अभी गाइज शॉर्ट्स हेयर जिधर है वही फार्मूला है जिससे जैसे कि हमें स्ट्रोक, जैसे मैंने पहले बताया था, स्ट्रोक के वाइज आपको पेंसिल्स को चलाना है। देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर कर रही हूँ। फिर ब्लेंड एंड देन हाइलाइट्स एरियाज, और वो जो भी शॉर्ट्स हेयर है उसके लिए मैं थोड़ा बहुत ग्राफाइट का यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बिगिनर्स के लिए बहुत ही मदद हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखना एंड वीडियो किसी को हेल्प करता है, किसी के हेल्प में आता है तो ज़रूर शेयर कर देना। यह पर गाइस मैं क्या कर रही हूँ, चारकोल का यूज़ करने के बाद उसी ब्रश से थोड़ा बहुत मैं नीचे वाले हिस्से में भी जो ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि उसके बाद जो पाउडर रहता है चारकोल के वो थोड़ा बहुत रह जाता है, उससे हमारा थोड़ा सा शेडिंग हो सकते हैं। देन गाइस फिर से मैं यहाँ पर ब्लेंड हाइलाइट्स के लिए इरेजर का यूज़ कर रही हूँ, देन पेंसिल्स का यूज़ करने वाली हूँ जहाँ पर डार्कनेस चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से रेफरेंस के अनुसार आपको जहाँ पर जैसे है वही उसी तरह से ही पेंसिल्स को चलाना है। इधर गाइस देखिए मैं ब्रूस्टर का ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं 2H एंड B का यूज़ कर रही हूँ, जो भी बहुत ही हल्का सा एरियाज है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट हेयर है उसके लिए। एंड ग्रेफाइट के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉटन बार्ड का भी यूज़ की हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं H पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, सॉरी 2H नहीं, यहाँ पर मैं H पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। देन मैं B पेंसिल का भी यूज़ करने वाली हूँ, और इस वीडियो में इस पार्ट में और ज़्यादा नहीं है डिटेलिंग, जो भी और हेयर के है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वेट करना नेक्स्ट पार्ट के लिए।